आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी के अंदर अजीबो गरीब नोटिस आ रही हैं। इन नोटिसेस का क्या करें, इसका रिप्लाई कैसे दे, हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं इस नोटिस में अजीबो गरीब क्या है, और अगर आपको इसका रिप्लाई देना है तो कैसे देना है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कौन सा रूल पढ़ना है। तो पहले जी ये नोटिस आपके पास भी आ सकता है, ये कहता है सी रूल 22। हमने 22 के अंदर आपको ये नोटिस दे रहे हैं और हम 21 ए के अंदर दे रहे हैं। क्या है, 13 अगस्त को नोटिस आया है, सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। भाई अभी तक आपने जो नोटिस देखे होंगे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए, इन जर्नल आपने देखे होंगे कि भाई आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, इस वजह से हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इस वाले नोटिस में वजह अलग है। वजह क्या कहते हैं कि वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैज़ कम टू माई नोटिस, ऑफिसर के नोटिस में कोई इन्फॉर्मेशन आई है, इट अपीयर डेट योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल, कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, कि इस वजह से नॉन कंप्लायंसेस ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन, यहाँ पे वर्ड को हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन। जब हम इस स्पेसिफाइड प्रोविजन की बात करते हैं, इन द जीएसटी एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो कौन से प्रोविजन की बात करते हैं, इसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा सेक्शन 29 पर। तो सेक्शन 29 हमारा क्या कहता है, वो रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की बात करता है। सेक्शन 29 का यहाँ पर देखिए सबसेक्शन 2 का क्लोज ए क्या कहता है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज कंट्रावेंशन सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर क्या इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई लॉ के अंदर कोई भी रूल्स बने हुए उनका वोलेशन, या लॉ के अंदर कोई स्पेसिफाइड रूल है उनका वोलेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, ए पर्सन हैज कंट्रावेंस सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट मेड देयर अंडर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पर हम सारे रूल्स की बात नहीं कर रहे कि सारों में से कोई भी रूल्स आपने वोलेशन कर दिया तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो सर कौन से रूल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर रूल की बात कर रहे हैं रूल 21 की। रूल 21 में जो भी प्रोविजन अगर आपने लिखे हैं, अगर आपने उसका वॉयलेशन करा तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो ये जो नोटिस आया है, इस नोटिस में कोई व्यक्ति ये ना समझे कि मुझसे कौन सा रूल वॉयलेट हुआ है, मुझसे कौन सा सेक्शन वॉयलेट हुआ है। इस नोटिस का मतलब ये है कि जो रूल 21 में अगर आपने कुछ भी वॉयलेशन करा है तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। अगर रूल 18 वॉयलेशन हुआ, रूल 40 वॉयलेशन हुआ तो कैंसिलेशन नहीं होगा। अगर रूल 21 में जो बातें लिखी हैं वो अगर वॉयलेट हुई तो ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। आप मेरी बात से सहमत करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब रूल 21 में क्या लिखा हुआ है कि डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस, अगर आपने कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं करा तो हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। अगर आपने कोई बिल इशू कर दिया विदाउट सप्लाई, मतलब बोकस बिलिंग कर दी, तो कैंसिल कर देंगे। अगर आपने ठीक है ना एंटी प्रॉफिटिंग का वॉयलेशन करा तो कैंसिल कर देंगे। अगर बैंक डिटेल फर्निश नहीं करी तो कैंसिल कर देंगे। अगर सेक्शन 16 को नहीं माना, उसके अगेंस्ट आपने आईटीसी लिया तो आपका कैंसिल कर देंगे। अगर आपने रूल 86 बी को नहीं माना तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। और अगर आपने GSTR 1 को नहीं फाइल करा, या GSTR 1 में जो सप्लाई है ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 फॉर वर ऑन बोर्ड टैक्स पीरियड विच इन एक्सेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ 3B, तो 3B से ज्यादा सप्लाई अगर आपने GSTR 1 में डाल दी तो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जब इस तरह का नोटिस आता है तो अब आपको इसका रिप्लाई कैसे करना है, आपको डिपार्टमेंट से पूछना है कि सर जो आपने ये नोटिस दिया है इसमें लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब हमारे हिसाब से रूल 21 होता है, और रूल 21 के अंदर हमारे को जी क्लोजेस दी हुई हैं। आप हमें इसमें से बताएं हमने इसमें से किस क्लोज का वॉयलेशन करा है जो आप हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। आप
बता दें कि ये सारी क्लोज हमने फुलफिल करी हुई है, तो इसलिए आप हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते। बस इसका यही छोटा सा रिप्लाई बनेगा और आपको इसमें कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर इसका मतलब सारे एक्ट रूल्स मत डालना, यहाँ पर इसका मतलब है रूल 21 का वोलेशन। तो आप पूछ सकते हो, सर ये हम क्यों पूछे, ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट को बताना चाहिए। हाँ भैया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं बता रहा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरी डिपार्टमेंट से अनुरोध है, मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुरोध है कि इस तरह के नोटिस इशू ना करें, क्लियरली मेंशन करें नोटिस के अंदर कि भाई रूल 21 में आपने ये वॉयलेशन करा है, बैंक अकाउंट फर्निश नहीं करा, सेक्शन 16 को फॉलो नहीं करा, आपकी GSTR 1 में सप्लाई 3B से ज्यादा है। तो आप ये मेंशन करके सामने वाले को नोटिस दे, वो उसके अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई देगा। क्योंकि यहाँ पर तो अब दो बार रिप्लाई हो गया ना, एक बार तो असेसी पूछेगा कि भाई मैंने कौन सा वॉयलेशन करा, फिर डिपार्टमेंट बताएगा कि तुमने ये वॉयलेशन करा, फिर हम उसका रिप्लाई देंगे, ऐसा मेरा मानना है भैया। तो ये चीजें गलत है, तो मैं इसलिए आप सभी से लोगों से कहता हूँ कि भाई इन नोटिस के रिप्लाई के लिए प्रोफेशनल्स पर मत जाओ, आप खुद ही इसका रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपने सेक्शन 29(2) पढ़ा होना चाहिए, आपने रूल 21 पढ़ा होना चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज लेनी है तो आप हमारी GST की पेन ड्राइव ले सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट पर चल रही है, ऐसा डिस्काउंट आज तक नहीं आया है। तो अगर आपको ये लेनी है हमारी पेन ड्राइव, तो इन नंबर पर बात करके आप ले सकते हैं। ये डिस्काउंट 23 अगस्त तक है, ये खत्म हो सकता है। और मैगजीन के लिए ना आप हमें ना आप ये बताओ, सितंबर एडिशन की मैगजीन में हम कौन कौन से टॉपिक डालें, मैगजीन का डिस्काउंट तो भैया खत्म होने वाला है, 100 रजिस्ट्रेशन तक था, वो आज ही खत्म हो जाएंगे 100 रजिस्ट्रेशन। अगर मैगजीन आपने नहीं लिया तो मैगजीन को सब्सक्राइब करा लो, डिस्काउंटेड रेट में करा लो, अब डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है जी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और इसका रिप्लाई जरूर दो, ठीक है। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मोबाइल में देखो कि ये वीडियो किस तक शेयर की जा सकती है, सब लोगों को मोबाइल में ये वीडियो शेयर करो, इससे आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप कोई अच्छा कंटेंट शेयर करते हो तो आपकी भी वैल्यू बढ़ती है। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना, KJ क्लासेस का ऐप है, उस पर छोटी छोटी वीडियोज है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।